और गाइस ध्यान से देखिए क्लिप में, यही सीढ़ियाँ है जहाँ पर खलनायक राजा और बेटा मूवी के गानों की शूटिंग हुई है। सो यही है जगह, और ये पेड़ है जो अब बड़ा हो गया, उस टाइम छोटा था। सो देख सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो कनक घाटी में होने वाला है। सो ये जो कनक घाटी है, मेरे घर से 10 से 15 किलोमीटर दूर है, और इस कनक घाटी में 90s की जितनी भी मूवी है ना, मतलब काफ़ी सारी मूवी इस घाटी में शूट हुई है। और ये बता दूँ आपको, जो नाहरगढ़ और आमेर है उसके ठीक सामने है कनक घाटी। सो गाइस चलिए चलते हैं, उसके बारे में जानते हैं और क्या क्या है वो दिखाता हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं घर से निकल गया हूँ और अभी जाऊँगा कनक घाटी, और बस का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे बस स्टॉप है, सो यहाँ पे बस अभी आएगा, उसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से। सो गाइस, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी नए वीडियो ला सकूँ और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो गाइस फाइनली बस आने वाली है, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। सो गाइस फाइनली बस मिल गई है मुझे कनक घाटी जाने के लिए। सो थोड़ी देर बाद मैं पहुंच जाऊंगा, उसके बाद आपको लोकेशन दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं कनक घाटी पहुंच गया हूं, और यहां से रास्ता है जाने का अंदर कनक घाटी में। सो यहां पे बोर्ड लगा हुआ है। सो गाइस यहां से कुछ ले लेते हैं खाने के लिए, अभी यहां से स्नैक्स ले लेता हूं और कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूं। अभी तो जाएंगे कनक घाटी, तो देख सकते हैं आप, इससे मैं यानी स्नैक्स ले लेता हूँ। और गाइस में कनक घाटी के अंदर आ गया हूँ, यहाँ से सुंदर नज़ारा देख सकते हैं कितना शानदार है, और काफ़ी सारी मूवीज़ यहाँ पे शूटिंग हुई है। सो दिखाएंगे अभी आपको पूरा, और यहाँ से टिकट मिलता है, यहाँ से टिकट ले लेते हैं। सो गाइस देख सकते हैं टिकट ले लिया मैंने, यहाँ से मेन गेट है यहाँ से जाने का अंदर। सो अभी अंदर जाएंगे, और गाइस यहाँ पर मंदिर है, 5 बजे खुलेगा, जब आपको दिखाएंगे वहाँ भी ले जाएंगे। सो गाइस मैं मेन गेट पे आ गया हूँ, और यहाँ पर मैं टिकट उकट चेक कराऊँगा, फिर अंदर जाऊँगा। फाइनली आ गया हूँ अंदर, और अभी एक एक करके आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन सी मूवी यहाँ पे शूट हुई है, और मैं आपको जितने भी 90s की मूवीज़ हैं उनके गाने और थोड़ा थोड़ा सीन यहाँ पर जो शूट हुआ है, जैसे बेटा राजा और से कई सारी मूवी यहाँ पर शूट हुई है। तो सो गाइस ये देख सकते हैं ना, किले के जैसे बना है। यहाँ पर बेटा मूवी का जो गाना है कोयल सी तेरी बोली, वो शूट हुआ है, और जो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित थे उनका गाना यहीं शूट हुआ है। और आप क्लिप में देख रहे होंगे जैसे डिज़ाइन किया गया है गाने में, वैसे डिज़ाइन अभी भी वैसे ही है। सो गाइस ये देखिए, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहीं पर उनका गाना शूट हुआ है। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर एक गाने का सीन यहाँ भी लिया गया है, जो ये गुम्बद दिख रहा है ना, यहाँ पर लिया गया है एक सीन। और एक गाना जो राजा मूवी है उसका भी यहीं शूट हुआ है, एक सीन यहाँ पर जो यहाँ पे खड़े रहते हैं। सो गाइस ये देख सकते हैं जो पेड़ है ना, और ये मेन गेट है, यहाँ पर राजा मूवी का जो एक गाना है वो शूट हुआ है, आप वीडियो क्लिप में देख रहे होंगे। सो गाइस यहाँ मेन गेट दिखाया गया, और वो पीछे वाला जो आपको गुम्बद दिख रहा है वहाँ पर सीन एक शूट हुआ है। सो गाइस ये है, और यहाँ पर आप नटवरलाल जी का मंदिर दिख रहा होगा आपको। सो गाइस देख सकते हैं आप, सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो बंजारन मूवी है उसका शूटिंग हुआ है, और देख सकते हैं गुम्बद है उसी में हुआ है शूटिंग, वहाँ पर ऋषि कपूर खड़े रहते हैं और वहाँ से पूरा जलमल दिखाया जाता है। सो आप वीडियो क्लिप में देख रहे होंगे, सो देख सकते हैं आप। सो गाइस जो जो गाने शूट हुए हैं इस घाटी में, तो यहाँ का अंदर से तो बता दिए कौन कौन से गाने के कौन कौन से सीन यहाँ पे शूट हुए हैं, वो आपको बताया, और आपने क्लिप भी देखा होगा। सो गाइस अभी जो 5 बजे मंदिर खुलेगा, तो उस मंदिर में कौन कौन से गाने शूट हुए हैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो अभी 2 घंटे वेट करना पड़ेगा यहाँ पर दूर। और गाइस यहाँ पर आपको पीने का पानी मिल जाएगा बिल्कुल ठंडा, और ये देख सकते हैं यार।
देख सकते हैं जो दादी है ये कब से काम कर रही है और मेंटेन कर रही है इस बाग को। सो गाइज मैं बाहर आ गया हूँ बाग से और अभी मंदिर खुलने का वेट करूँगा 5 बजे तक। सो वेट करते हैं। सो गाइज मैं वेट कर रहा हूँ और यहाँ पर होटल है कुछ, यहाँ पर कूलर लगा हुआ है देख सकते हैं। सो गाइज ये देखिए बारिश आ रही है यहाँ पे। मंदिर खुल गया है फाइनली, अभी 2-3 घंटे का वेट करने के बाद से अब जाके खुला है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कौन कौन सी मूवी यहाँ पे शूट हुई है। तो सो गाइस फाइनली मैं मंदिर के पास आ गया हूँ और ये सीढ़ियाँ है जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर 3 मूवीज़ जो है उसकी शूटिंग हुई है और जो माधुरी दीक्षित है 3 बार यहाँ पर डांस करी है इस सीढ़ियों पर, तो आप देख सकते हैं। सो अभी बताता हूँ मैं आपको चल के ऊपर। और गाइस ध्यान से देखिए क्लिप में, यही सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर खन्नायक राजा और बेटा मूवी के गानों की शूटिंग हुई है। सो यही है जगह और ये पेड़ है जो अब बड़ा हो गया, उस टाइम छोटा था। सो देख सकते हैं और जो माधुरी दीक्षित थी वो यहाँ पर 3 बार डांस करी है। सो यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ का लोकेशन वो देख सकते हैं जहाँ पर दूसरा गाना शूट हुआ था, दूसरा सीन। सो ये देख सकते हैं आप। सो गाइज यहाँ का जो मैं लोकेशन था और दिखा दिया कौन सी मूवी यहाँ पे शूट हुई है, अब दूसरे वाले मंदिर पे जाना है तो चलिए चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कौन सी मूवी की शूटिंग हुई है। और गाइज देख सकते हैं ये दूसरा वाला मंदिर है जहाँ पर आरती हो रही है अभी मंदिर में, तो अभी चलेंगे वहाँ पर और देखेंगे कौन सी मूवी की वहाँ पर शूटिंग हुई है। सो चलिए चलते हैं। सो गाइज अभी दूसरे वाले मंदिर पर आ गया हूँ मैं और यहाँ से मैं दिखाता हूँ बैक साइड से यहाँ का लोकेशन, उसके बाद बात करते हैं आपसे। सो गाइज देख सकते हैं ये राधा रानी जो मंदिर है वहाँ पर आ गया हूँ मैं और ये पिलर्स देखिए इसी में शूटिंग हुई है गाने की और कितने मजबूत हैं ये पिलर्स। सो गाइज और जो माधुरी दीक्षित हैं वो उनका भी गाना यहाँ पे शूट हुआ है, जो बेटा मूवी है बेटा और राजा उसकी यहीं पर शूट हुआ है ये। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। सो गाइज देख सकते हैं ये जो क्लिप है खन्नायक मूवी का गाना है एक वो है क्लिप, और नीचे जो आप वीडियो देख रहे हैं वहीं यहीं पर शूट हुआ है ये वीडियो। सो आप देख सकते हैं कितना शानदार लोकेशन लेकर इस गाने की शूटिंग हुई है। सो आप पूरा देख सकते हैं। सो गाइज मैं सब कुछ बता दिया आपको, सारी मूवी जो शूट हुई है जिसके गाने वो उनके लोकेशन भी बता दिए, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कॉमेंट कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाइए और आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।